नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरी अपडेट मैं आप सभी को देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाला हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जनवरी 2022 को यहाँ पे आप सभी लेटेस्ट न्यूज़ में सबसे ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू कॉल कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट। तो आप सभी को बता दें कि टायर वन सीवीटी का जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए इसे ओपन करके आपकी कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं कि आखिर कितनी इसकी कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने जो इसका पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इसे देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है, क्या क्या पूरी चीज़ें वो एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर इसका फाइल नंबर डला हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इसे नोटिस को जारी कर दिया गया है, यानी रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू कॉल कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया, और यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि आपका एग्जाम कब करवाया गया था। 11/11/2021 से लेकर 12/11/2021 को हुआ था और 15/11/2021 को सेंट्रल पे करवाया गया था। तो उसी के बारे में पूरी अपडेट यहाँ पे नीचे आप सभी को दी गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए वो भी रीड आउट कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी सिस्टम है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप सभी को बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 3608 कैंडिडेट हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर द अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 13,445 कैंडिडेट हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड द फॉर अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट हैं 3,608 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया ग्रेड सी के लिए और 13,445 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया ग्रेड डी के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स वगैरह नीचे आप सभी को दी गई हैं। तो चलिए नीचे कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये आपका ग्रेड सी का कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे आप सभी को दिया गया लिस्ट 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 132.92 और टोटल कैंडिडेट 545। एसटी की बात करें तो 117 कट ऑफ गई है और 209 कैंडिडेट यहां पे अवेलेबल है। ओबीसी की बात करें तो 142.36 यहां पे कट ऑफ है, जिसमें 1095 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 138.64 कट ऑफ है, वहीं पे 347 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। अदर कैटेगरी की बात करें तो 146.79 कट ऑफ है, जिसके लिए 1210 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। और यहाँ ओएच और वीएच की कट ऑफ भी देख सकते हैं, 108 और 55 यहाँ पे गई है। तो टोटल 3,608 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है ग्रेड सी के लिए। अब चलिए आगे चल लेते हैं और ग्रेड डी के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रेड डी के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेड डी का यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी की कट ऑफ की बात करें तो 103.89 कट ऑफ गई है, जो कि 2722 कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई किए गए हैं एससी कैटेगरी में। एसटी की बात करूँ तो 84.61 कट ऑफ गई है, जिसके लिए 1105 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया एसटी कैटेगरी में। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी में 126.72 कट ऑफ है, जिसके लिए 3267 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। वहीं पे आगे बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 83.56 कट ऑफ है, जिसके लिए 1983 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अदर कैटेगरी की बात करें तो 131.22 यहाँ पे आपकी कट ऑफ हुई है, जिसके लिए 3,448 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। आगे बात करूँ एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ओनली 40 पे गई है, जिसके लिए 311 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ओएचवीएच की बात करें तो 59 और 51 कट ऑफ गई है, जिसके लिए 388 और 167 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। वहीं पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो 40 की कट ऑफ गई है और वहीं पे 54 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। टोटल 13,445 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। तो पूरी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, कट ऑफ मैंने कैटेगरी वाइज आप सभी को बता दी। जो लिस्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप अपनी जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं और उसमें अपना रोल नंबर सर्च करके कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारी साइड से आप सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक, जिनका हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेशन, और स्किल टेस्ट के लिए आप सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।